28 जून को धनबाद रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर एक बच्चा लावारिस स्थिति में बरामद हुआ था। बच्चे की हालत काफ़ी ख़राब थी, उसके पैर, सर और हाथ में गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद कुछ लोगों की ओर से उसे ध्यान दिया गया और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान बच्चे की हालत काफ़ी गंभीर थी, कई बार उसके हेल्थ में उतार चढ़ाव देखने को मिला। ये बातें भी सामने आई कि इसे रिम्स रेफ़र किया जाएगा, लेकिन फिर ये सुपरिटेंडेंट की ओर से कहा गया कि यहीं पर इसे प्रॉपर इलाज दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि आज करीब 18 दिन हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे को वो प्रॉपर ट्रीटमेंट देखभाल शायद नहीं मिल पा रही है जिसकी उसे ज़रूरत है। आइए यहाँ पर जो केयर टेकर है उनसे बातचीत करते हैं और विस्तार से जानते हैं इस मामले को। आप देखिए, कब से आप इस बच्चे की देखभाल कर रही हैं? हाँ, 18 दिन हो गया। मतलब हम लोग स्टाफ चेंज कर करके आते हैं, और मतलब बच्चा भी तो ठीक है, मैं थोड़ा मोड़ा खा रहा पी रहा, और वही तो जैसे कि जख्म है अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। तो आपको किसकी ओर से तैनात किया गया? इंजो तरफ से किया गया है। अच्छा, तो सुबह शाम भी बच्चा खाना वाना खा रहे हैं? खा रहे हैं। क्या लगता है कि अभी और कितना वक्त लगेगा? अभी तो वो कह नहीं सकते हैं कितना टाइम लगेगा, मगर फिर भी एक दो महीना तो लगेगा। एक दो महीना लग जाएगा। हाँ, ह्यूमन राइट की स्टेट सेक्रेटरी पूजा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। पिछले 18 दिन से लगातार इस बच्चे के साथ तैनात रही हैं और इसे लेकर आवाज़ भी उठा रहे हैं। इनसे बातचीत करते जानते हैं कि कितना संतुष्ट है वो इस बच्चे के इलाज से और क्या अभी कितना वक्त लगेगा, कितना इम्प्रूवमेंट हो पाया। बताइए कि आप 28 तारीख से यहाँ पर मौजूद हैं, उस वक्त बच्चे की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है? पहले जो स्थिति थी काफ़ी गंभीर थी और पहले से थोड़ा अभी बेटर है, ठीक है, लेकिन पूरा पूरी ठीक इसको नहीं बोल सकते हैं। इसका जब तक पैर का प्लास्टर नहीं खुलेगा, हाथ का प्लास्टर नहीं खुलेगा, या फिर से एक बार इसका सीटी स्कैन करके देखा जाए कि इसका ब्रेन का ब्लड कहाँ तक ख़त्म हो चुका है, क्लॉटिंग, इसका जो दवाई चल रही है प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब अगर जांच किया जाए तो कुछ पता चल सकता है कि बच्चा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कहाँ तक हुआ है। हालांकि बच्चा खा रहा है, बच्चा का पिछले 3-4 दिन से फीवर था, तो काफ़ी तेज़ फीवर था, तो कल इंजेक्शन वगैरह पड़ा है और स्लाइन वगैरह चढ़ा है, तो अभी फीवर नहीं है, रिलीव फीवर डाउन है, बच्चा खा रहा है। बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजने की जो बात चल रही थी वो बात बिल्कुल दब गई है, तो क्या लगता है आपको कि अब बाहर भेजना सही है या फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट प्रॉपर हो पाएगी? देखिए, बाहर भेजना मतलब हमारी नज़रों से दूर हो जाएगा पहला तो, और जो यहाँ जो ट्रीटमेंट चल रहा है हमें लगता है कि थोड़ा इससे और बेटर ट्रीटमेंट मिले तो अच्छा, यही रह के मिले। हम बाहर ले जाने की मांग तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जब पूरी तरह से ये ठीक हुआ है 50%, और 50% जो है यहीं पे इसका देखरेख अच्छा से हो, डॉक्टर भी इसका कंटिन्यू देखरेख में ही है, बस इसका सीटी स्कैन हो तो कुछ पता चल सकता है। पर दोबारा से टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए ताकि पता चल जाएगा कि सीटी स्कैन के हिसाब से कितना हद तक इसका ब्लड निकल चुका है, जो भी सर दवाई चल रही है वो इसका दवाई असर कर रहा, तो ये बच्चा खुद ब खुद धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा अगर ऐसा स्थिति रहेगा तो। उस दिन जब हम आए थे तो ये बच्चा काफ़ी परेशान था, और उसके बाद भी हम जब भी आए हैं आज हम देख रहे हैं कि ये बैठ रहा है, थोड़ी बहुत बातें भी कर रहा है, हंस रहा है, तो अब बात कर पा रहा है? क्या इसने अपना नाम बताया इस दौरान या किसी कुछ भी डिटेल्स में? नहीं, पहले से तो अब अपने से बैठ भी रहा है, जो हम लोग सेवा इतना लगे हुए हैं सारे लोग इसके पीछे, केयर टेकर भी है, हम भी है, हम भी कंटिन्यू आते ही जाते हैं जितने देर भी टाइम दे सकते हैं, बाकी ये लोग ड्यूटी करती है 12-12 घंटे तक। बातें वो क्लियर बातें करता है, लेकिन अपने बारे में कुछ बता नहीं पा रहा है, या बोल सकते हैं कि सदमे में है, अभी किसी पे प्रॉपरली भरोसा नहीं कर पा रहा इसलिए नहीं बताना चाहता, या कुछ भी हो सकता है इसके साथ, डरा हुआ है, अभी इसको वक्त लगेगा। की मांग है कि अभी चाइल्ड वेलफेयर की ओर से या फिर अस्पताल की ओर से इसे और फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हाँ, इसको अस्पताल की ओर से थोड़ी और फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि इसको अच्छे जगह पे, अच्छा वार्ड पे इसको दिया जाए, साफ़ सुथरा थोड़ा जगह में दिया जाए, इसको ICU रूम में प्रोवाइड किया जाए, मेरी यही मांग है। इसका ट्रीटमेंट कैसे इस वक्त इस बच्चे में, पहले से सुधार तो हुआ है लेकिन अभी और वक्त लगेगा क्योंकि प्लास्टर्स अभी नहीं कटे हुए हैं। यहाँ पर जो पूजा जी उनका यही मांग है कि एक बार वापस इसके सारे चेकअप हो, यानी सीटी स्कैन हो, ताकि आइडिया लग पाए कि जो क्लॉटिंग हुई है वो कितने दूर तक इम्प्रूव हो पाई है। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि अब जो स्पेस इन्हें दिया गया रहने के लिए वो उतना साफ़ सुथरा नहीं है, स्थान ये सही नहीं है, इनकी ये मांग है कि इसे एक अच्छे साफ़ सुथरे वार्ड में शिफ्ट किया जाए ताकि बच्चे को इम्प्रूव होने में बाकी जो सराउंडिंग है उसकी भी अहम भूमिका रहती है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि दिन रात यहाँ पर ये लोग रह रही हैं, देखभाल कर रही हैं, लेकिन अभी और वक्त लगे और अगर इलाज में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट होती है तो शायद बहुत जल्दी बच्चा इम्प्रूव हो जाएगा।
यहाँ तक कि हमने देखा कि आज बच्चा थोड़ी बहुत बातचीत भी कर रहा है, हंस बोल भी रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक इसने अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में ऐसी कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। अब भी इसके मन में एक थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कुछ डर है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ पता चल पाए, लेकिन फिलहाल अब तक इस बच्चे के माता पिता या फिर इसके रहने का ठौर ठिकाने के बारे में कोई जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हो पाई है। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शाम भवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।